तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एके डॉक्टर स्ट्रेंज दी मायावी महागुरु पूरे एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हैं एक्सक्लूडिंग दी स्कारलेट विच बिकॉज वो एक विलन बन गई थी। वेल आप यहाँ पर ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सबसे पावरफुल सुपर हीरोज तो थॉर या कैप्टन मार्वल हैं, बट मेरे ख्याल से वो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। और वीडियो के खत्म होते होते तक हम आपको ये प्रूव भी कर देंगे कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सुपर हीरो या एवेंजर हैं। तो आइए आगे बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक फिजिकली स्ट्रांग या फिजिकली ड्यूरेबल कैरेक्टर नहीं है लाइक हल्क एंड थॉर। वो मेनली डिपेंड करते हैं अपने रॉ एबिलिटीज और पावर्स के ऊपर लाइक मैजिक स्पेल्स को कास्ट करना, टेलीपोर्ट होना एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के वो सारे स्पेल्स को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक उन्होंने एमसीयू में यूज किया है। तो नंबर वन पर है फ्लाइट। तो ऐसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ नहीं सकते, बट उनके पास ही एक क्लोक ऑफ लेविटेशन जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं। एंड इस उड़न खटोला के पास खुद की ब्रेन भी है लाइक ये डॉक्टर स्ट्रेंज की बात को मानती है। इसने थानोस की मुट्ठी को बंद कर दिया था। यहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज नॉकआउट हो जाते हैं तो ये चोंगा उनको उठाने की कोशिश भी करती है और ये अमेरिका चैवेस को भी बचाती है। नेक्स्ट है पोर्टल क्रिएशन। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक और स्लिंग रिंग का यूज करके स्पेस टाइम में एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं जिसके मदद से वो जब चाहे तब कहीं आ और जा सकते हैं। एंड इस पोर्टल का यूज करके वो अपने एनिमीज पर अटैक भी कर सकते हैं। आगे है दी टाउ मैंडलस। वैसे माफ करना अगर इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हुआ हो तो इस स्पेल में डॉक्टर स्ट्रेंज एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल थी कि इसने डोरमामू के अटैक को थोड़ी देर के लिए सर्वाइव किया जो कि बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज को तो डिसइंटीग्रेट कर ही देती है। उसके साथ ही ये इस प्लैनेट के ऊपर वाले हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट है टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस। वेल इन दोनों का यूज डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही कम बार किया है। टेलीपोर्टेशन का यूज वो थॉर के साथ करते हैं एंड टेलीकिनेसिस का यूज वो यहाँ पर करते हैं। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक विप्स बना सकते हैं, मैजिक बीम्स छोड़ सकते हैं, वो ये ड्रैगन्स को भी समन कर सकते हैं, वो नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि फायर, विंड और एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो विंड वाला स्पेल उन्होंने यूज किया उसका नाम था दी विंड्स ऑफ वाटोम। फिर इन्फिनिटी वार में उन्होंने बहुत सारे स्पेल्स का यूज किया जैसे कि दी इमेज ऑफ इकॉन जो कि उनकी खुद की शेडो क्लोन जूत्सू है। एंड ये हर एक क्लोन ऑलमोस्ट ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज जितना पावरफुल होता है। नेक्स्ट है दी शील्ड ऑफ दी सेराफिम जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफेंसिव शील्ड होता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर के अटैक से प्रोटेक्ट करती है। आगे है दी होरी होस्ट ऑफ होगाथ और ये स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज की वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल स्पेल है बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसका यूज करके एक ब्लैक होल को तितली में बदल दिया था। मतलब समझ रहे हो, एक ब्लैक होल को तितलियों में बदल देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार। थानोस भी ये देखकर शॉक्ड हो गया था। वैसे इस पूरे फिट को एक स्टार लेवल तक का कैलकुलेट किया गया था एंड अगर आपको वो कैलकुलेशंस पढ़ने हैं तो ये लीजिए। वैसे हम आपको ये समझा देते बट हमारा मैथ एकदम नील बटा जीरो है। फिर आगे है दी सेवन सन्स ऑफ किनबस जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद की लाइटनिंग है। फिर है दी सीक्रेट सॉर्ड ऑफ विशांति। तो दी सीक्रेट सॉर्ड ऑफ विशांति एक बहुत ही पावरफुल सॉर्ड है जो किसी भी डीमन को मार सकती है एंड इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉर्ड विशांति। नेक्स्ट है दी क्रिम्सन बैंड ऑफ साइटोरैक। तो इस स्पेल में ये चार पावरफुल रोप निकलते हैं जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग थे कि ये थानोस को इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करने से रोक देते हैं। एंड अगर आप इस वाले सीन को स्लो मोशन में देखोगे तो जब ये बैंड्स थानोस के हाथ को पकड़ती है तो उसके चारों तरफ एक पर्पल ऑरा आता है जिसके बाद थानोस एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो मे बी हो सकता है कि ये बैंड्स थानोस के स्ट्रेंथ को ड्रेन कर रहे होंगे। आगे है दी मिरर डायमेंशन। तो मिरर डायमेंशन मेन रियलिटी की एक परछाई है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इसका यूज करके अटैक्स को भी रोक सकते हैं जैसे कि उन्होंने यहाँ पर थानोस के अटैक के साथ किया था। वो मिरर डायमेंशन के अंदर किसी भी बींग को कैद कर सकते हैं अनलेस कि सामने वाले को ज्योमेट्री का नॉलेज हो एंड उसके पास वेब्स हो। अब इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दे रखी है एंड ये हर एक इन्फिनिटी स्टोन्स एट मिनिमम एक प्लैनेटरी लेवल पर हैं। जैसे कि पावर स्टोन को तो हमने ऑलरेडी एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए देख रखा है। फिर यहाँ स्पेस स्टोन के बारे में भी नताशा कहती है फिर रियलिटी स्टोन को तो एक यूनिवर्सल लेवल का बताया गया है और सोल स्टोन को तो इन सारे स्टोन्स में से सबसे डेंजरस बताया गया है।
एंड इन चारों स्टोन्स, जिनमें से कुछ प्लैनेटरी लेवल पर हैं और कुछ को यूनिवर्सल लेवल तक बताया गया है, इन सबको डॉक्टर स्ट्रेंज ने बराबरी की टक्कर दे रखी है। हाँ, वो बात अलग है कि आखिर में थैनोस इनको धर लेता है, बट ये पूरा फाइट इन्फिनिटी वॉर का वन ऑफ द बेस्ट फाइट था। अगला स्पेल है ट्रांसम्यूटेशन, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी चीज को किसी और चीज में बदल सकते हैं, लाइक ब्लैक होल को तितलियों में बदलना, फिर थॉर को चाय देना, फिर बियर देना और दोबारा बियर के ग्लास को भी भर देना। नेक्स्ट है दी वार्डिंग स्पेल। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ये स्पेल एक प्रोटेक्टिव स्पेल है, जिसको कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कास्ट कर सकते हैं, लाइक उन्होंने यहाँ पर आई एफ ओगोमोटो पर किया था। और ये स्पेल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इवन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टपक गए तो तब भी ये वार्डिंग स्पेल उस ऑब्जेक्ट से हटेगी नहीं। आगे है दी एस्ट्रल अरे यार क्या लिखा है ये आप खुद ही पढ़ लेना। सिंपली यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भूत बन जाते हैं, यानी कि वो अपने सोल को अपने बॉडी से अलग कर लेते हैं, प्लस ये किसी और की भी सोल को उसके बॉडी से अलग कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर पिट्टू पार्कर के साथ किया था। नेक्स्ट इनके पास है कॉन्ज्यूरेशन की पावर, जहाँ पर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को छिपा सकते हैं, लाइक द इन्फिनिटी स्टोन। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ये मैजिक सॉ बना सकते हैं, डिफरेंट मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हैं, म्यूजिकल नोट्स को वेपन बना सकते हैं, ड्रीम वॉक कर सकते हैं, एंड इनके पास ये आईसी टेंटल्स ऑफ इंक मादरचोद क्या लिखा हुआ है। तो इस स्पेल का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ओपोनेंट को फ्रीज कर सकते हैं। फिर इनके पास ये लोकेटर स्पेल, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज किसी के बायोलॉजिकल मैटर का यूज करके उसके फैमिली मेंबर्स का पता लगा सकते हैं, जो कि उन्होंने ओडिन और थॉर के साथ किया था। एंड आगे एट लास्ट नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज किया द रूल्स ऑफ कोफकाल का, जो कि था तो बस एक सिंपल फॉरगेटिंग स्पेल, बट इसमें थोड़ी सी छेड़खानी की वजह से ये सिंपल फॉरगेटिंग स्पेल एक मल्टीवर्सल लेवल का स्पेल बन गया, जहां पर अदर यूनिवर्सेस से वो सारे लोग इस यूनिवर्स में आ रहे थे, जो लोग ये जानते थे कि गंगाधरी शक्तिमान है। वैसे फर्स्ट टाइम तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस वाले स्पेल को कंट्रोल कर लिया था, इवन दो कि वो पूरे फैब्रिक ऑफ रियलिटी को ब्रेक कर रही थी, बट जब दोबारा ग्रीन गॉब्लिन ने इस स्पेल को रिलीज कर दिया तो ये इस पूरे यूनिवर्स में क्रैक्स ला रही थी, एंड इन क्रैक्स की वजह से इवेंचुअली ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता अगर तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन क्रैक्स को हील नहीं करते या फिर दोबारा दी रूल्स ऑफ कोफकाल को कास्ट नहीं करते। एंड मल्टीवर्स में मौजूद क्रैक्स को हील करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, बिकॉज हमने ऐसा सिर्फ वॉचर, लोकी और अब डॉक्टर स्ट्रेंज को करते हुए देखा। तो अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी भी थॉर, कैप्टन मार्वल या किसी भी एवेंजर को अपनी पावर से पूरे मल्टीवर्स पर इफेक्ट डालते हुए देखा या फिर यूनिवर्स में मौजूद क्रैक्स को हील करते हुए देखा? नहीं ना। सो डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही थॉर या कैप्टन मार्वल की तरह अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके एक प्लैनेट को नहीं उड़ा सकते, बट उनके पास कुछ ऐसे ऐसे स्पेल्स हैं जो कि एक प्लैनेट पर क्या बल्कि पूरे मल्टीवर्स पर अपना इफेक्ट डाल सकती है। बस एक ही चीज जो डॉक्टर स्ट्रेंज की वीक पॉइंट है वो है उनकी ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज वो कम्प्लीटली ग्लास कैनन है, माने कि उनकी ड्यूरेबिलिटी बस एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लाइक थॉर, हल्क या थैनोस, इनके सिर्फ एक दो अटैक से डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या होगा राहुल जी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो अब होपफुली हमने आपको ये प्रूफ कर दिया होगा कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पावरफुल सुपर हीरो या एवेंजर हैं।